ओमेगा स्टडी जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करेंगे 150 प्रश्न। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो आंसर हो जाएगा एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन नहीं है, आंसर है सीधे डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मूत्र का निर्माण होता है, तो ब्रिक में। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रिक का भार होता है, तो 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव गुर्दे से बनने वाली पथरी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की। क्वेश्चन नंबर 6 है रक्त का विलयन है, तो क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 8 है रक्तदाब मापने वाला यंत्र है, तो एस्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो सिरा। क्वेश्चन नंबर 10 है हृदय की धड़कन को नियंत्रक है, तो पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 11 है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो रक्त द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है पित्त का पीएच मान होता है 7.7। क्वेश्चन नंबर 13 है पित्त अस्त्रावित होता है, तो यकृत द्वारा। क्वेश्चन 14 है लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। क्वेश्चन 15 है हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से या विषाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है विषाणु का खोज किया था इवानोवस्की। क्वेश्चन नंबर 17 है रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से। क्वेश्चन नंबर 18 है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 है शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21 है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो सेलुलोज की। क्वेश्चन नंबर 22 है जीवाणु का खोज किया था लिवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 23 है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। क्वेश्चन नंबर 24 है ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। क्वेश्चन नंबर 25 है ध्वनि का चाल होता है 760 मील प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 26 है ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 27 है हवा का वाष्पन घनत्व होता है 14.4। क्वेश्चन 28 है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। क्वेश्चन नंबर 29 है रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 30 है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 31 है बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय। क्वेश्चन नंबर 32 है बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 33 है हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 34 है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। क्वेश्चन 35 है 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब है अनंत। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को। क्वेश्चन नंबर 37 है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु से बराबर तथा सीधा। क्वेश्चन नंबर 38 है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, तो वहाँ सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता इसलिए। क्वेश्चन नंबर 40 है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, तो रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 42 है पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। क्वेश्चन नंबर 43 है भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है गामा किरण की। क्वेश्चन नंबर 44 है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। क्वेश्चन नंबर 45 है जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। क्वेश्चन नंबर 46 है तने का रूपांतरण आलू और प्याज। क्वेश्चन नंबर 47 है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 48 है थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। और 49 नंबर क्वेश्चन है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल के रूप में। लास्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन।